it together. You're not in Kansas anymore. You're on Pandora, ladies and gentlemen. You've got to obey the rules. Pandora rules. Get away from my godson. ये आपस में ही लड़ रहे हैं दो पैंड्रन ट्राइब्स। क्या है क्वारिच का प्लान? दोस्तों, आज से 13 साल पहले जब हमारे सामने अवतार फिल्म आई थी, तब सबसे पहले तो हमने इसे सिर्फ एक विजुअल मास्टरपीस के तौर पर ही ऑब्जर्व किया था। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और जब कैमरन ने इस फ्रेंचाइजी को ऑफिशियली लॉक कर दिया और हमारे सामने इसकी 5 फिल्में तैयार खड़ी हैं, तब हमने इसके विजुअल्स के साथ साथ फिल्म के और पहलू पर भी गौर करना शुरू किया। क्योंकि फिल्म सिर्फ अपने ग्लैमरस विजुअल्स और एक नई दुनिया की एक्सपीरियंस की वजह से ही नहीं, बल्कि नावी और ह्यूमंस के कनेक्शंस पर भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ड है। बट ये कनेक्शन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फिक्शन और दूसरा रियल वर्ल्ड। फिक्शन स्टोरी में तो ह्यूमंस को नावी और उनकी दुनिया से सिर्फ सौदे की फीलिंग्स दिखाई जाती हैं, बट एक्चुअल वर्ल्ड में स्क्रीन के सामने बैठी ऑडियंस फिल्म के नावी कैरेक्टर्स से एक अलग अटैचमेंट ही महसूस करती है। और अब यही अटैचमेंट वापस लेकर आ रही है फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर। बट इस बार फिल्म में ह्यूमंस वर्सेस नावी की जंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे उल्टा दो नावी ट्राइब्स के बीच ही जंग देखने को मिलेगी। असल में फर्स्ट फिल्म की स्टोरी में हमें उमातिकाया की नावी को लोगों के बारे में जानने को मिला, उनका रहन सहन, वहाँ के रिचुअल्स, उनकी लिविंग स्ट्रैटेजीज और वहाँ के क्रिएटर्स। बट इस बार फिल्म में हमें एक नावी ट्राइब से रूबरू कराया जाएगा जिसका नाम होगा मैथिकाइना क्लान। और आप नाम सुनकर इतना चौंके नहीं, क्योंकि अगर बात करें कैमरन की एक्चुअल व्यू की तो अवतार वर्ल्ड में टोटल 15 क्लान्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अब बारी है एक नए क्लान की जो समंदर के किनारे बसा करती है। तो आखिर पहले पनाह देने वाली क्लान बाद में उन्हीं लोगों के खिलाफ खड़ी कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब देने फिल्म में री एंट्री लेंगे कर्नल क्वारिच, वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं बल्कि नीली और 10 फीट लंबे नावी के अवतार में। जी हाँ, ह्यूमंस अपने नेचर से बाज नहीं आएंगे और एक बार फिर नावी की दुनिया में जंग का ऐलान करेंगे। लेकिन इस बार जंग हथियारों और ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खेली जाएगी। कहानी में कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मैथिकाइना क्लान के कुछ सदस्यों पर हमला कर देंगे और उन्हें बेरहमी से मार भी देंगे, और किसी वजह से इसका पूरा शक जाएगा जेक और उसकी फैमिली पर, जिसका हर जाना ओमैटिकाया के लोगों को जंग के रूप में भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह जेक अपने सभी लोगों के साथ मिलकर उनका सामना करेगा, और फिल्म के एंड में क्या वो मैथिकाइना के लोगों पर दोबारा भरोसा बना पाएगा या उसे भागना होगा एक और नए सफर के लिए, ये तो हमें थिएटर्स में ही पता चलेगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा आगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप क्वारिच की वापसी से खुश हैं या नहीं, या आप उसकी जगह फिल्म में कोई और कैरेक्टर देखना पसंद करती हैं? ये जल्दी से हमें सारी बातें कमेंट्स में बताएं।